इसमें इफ एफ ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स, ये समझ लीजिए आप। तो देन ए प्लस बी बाई टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। ये लिमिट भी मत लगाओ, आप तो सीधा ही कर लो। इफ ए एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स, देन ए प्लस बी बाई टू जीरो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, एक्स को एलिमिनेट कर दिया, एक्स को हटा देंगे। तो चेक करते हैं, हेयर एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। तो एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, अब ए प्लस बी अपने पास क्या जीरो से पाई है, जीरो प्लस पाई, ए प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल्स टू जीरो प्लस पाई माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर जीरो प्लस पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर। पाई जीरो प्लस पाई माइनस एक्स डी एक्स, डी एक्स को हटा दोगे। एफ पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर, ये क्या रह जाएगा भाई, कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स और प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। तो ये पाई माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, माइनस कॉस होगा स्क्वायर से प्लस रह जाएगा, एंड बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ये अब यहाँ देखिए एलिमिनेट नहीं हुआ ना, एक्स बराबर एफ एक्स नहीं आया, तो हम ये प्रॉपर्टी लगा पी फोर लगाएंगे। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, पी फोर, ये तो नहीं हो रहा, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए पी फोर लगाइए। पी फोर भी ऐसा ही है, उसमें हम फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हैं। तो दिस प्रॉपर्टी स्पेशल प्रॉपर्टी तो इसमें यूज नहीं हो रही भाई, स्पेशल नहीं हो रही, तो अपने पास प्रॉपर्टी नंबर फोर है, उससे भी एलिमिनेशन ऑफ एक्स हो जाता है। प्रॉपर्टी नंबर फोर, फोर से आई, अब जब भी प्रॉपर्टी फोर लगाएंगे तो इक्वेशन फर्स्ट नाम दो इसको, और ये हो जाएगा जीरो से पाई पाई माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, ये प्रॉपर्टी है। जीरो से एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टी है। ए माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स डी एक्स, सिंस कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स एंड साइन पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। कॉस पाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, स्क्वायर ऑफ माइनस कॉस एक्स का प्लस हो जाएगा। तो आई इज इक्वल टू जीरो टू पाई पाई माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। प्रॉपर्टी नंबर फोर जब भी यूज करते हैं तो आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करते हैं। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, आई प्लस आई टू आई, आई प्लस आई टू आई दोनों की लिमिट सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमिनेटर ऐड हो जाएंगे। जीरो से पाई एक्स प्लस पाई माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। न्यूमरेटर एक्स डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो न्यूमरेटर ऐड हो गया एक्स प्लस पाई माइनस एक्स अपॉन ए, एक्स एक्स कैंसिल
तो i इज इक्वल टू 1/2 जीरो से पाई और पाई अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। आई इज इक्वल टू पाई बाई टू जीरो टू पाई 1/ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्लियर है? अब डिवाइडेड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। आई इज इक्वल टू पाई बाय टू जीरो से पाई, ये न्यूमरेटर को डिवाइड कर दिया कॉस स्क्वायर एक्स से, और डिनोमिनेटर कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो आई इज इक्वल टू पाई बाई टू जीरो से पाई सेक स्क्वायर एक्स 1/ कॉस स्क्वायर एक्स इज रिटर्न एज सेक स्क्वायर एक्स, कॉस से कॉस कैंसिल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर, बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए पाई अपॉन टू बी स्क्वायर जीरो से पाई सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब सब्स्टिट्यूशन, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स है, टेन एक्स को टी माना, लेट टेन एक्स इज इक्वल टू टी, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। आई इज इक्वल टू पाई अपॉन टू बी स्क्वायर 1/ ये डी टी हो गया ए अपॉन बी का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी। लिमिट चेंज करिए, जब भी सब्स्टिट्यूशन करेंगे लिमिट चेंज करेंगे। व्हेन लोअर लिमिट एक्स इज इक्वल टू जीरो देयरफॉर टी इज इक्वल टू टेन जीरो, और टेन जीरो की वैल्यू क्या होती है जीरो, ये आ गया जीरो। अब यहाँ थोड़ा देखिए समझना, अगला बार जब अपर लिमिट रखेंगे तो यहाँ टेन पाई आएगा, टेन पाई की फिर जीरो, तो जीरो टू जीरो लिमिट हो नहीं सकती, जीरो टू जीरो लिमिट नहीं हो सकती। तो यहाँ चेंज करेंगे, जीरो टू जीरो लिमिट नहीं आएगी, तो यहाँ आप इसको इसको लिख दे टू डॉट पाई बाई टू, पाई से दो से मल्टीप्लाई कर दिया, दो से डिवाइड कर दिया। अब आप प्रॉपर्टी लग रही है अपनी, प्रॉपर्टी नंबर सेवन, जीरो से टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स इफ एफ टू ए माइनस एक्स बराबर एफ एक्स हो, तो ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर सिक्स। तो ये देखिए इसमें लगेगी, यहाँ पे भी लगा दीजिए ये टू डॉट पाई बाई टू कर दीजिए यहीं पे, तो ये आपकी लिमिट हो गई चेंज जीरो से पाई बाई टू, क्या आ जाएगा आई इज इक्वल टू पाई अपॉन टू बी स्क्वायर डॉट टू जीरो टू ए, ए की वैल्यू क्या है जीरो से पाई बाई टू 1/ ए अपॉन बी का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी। और अब ये फॉर्मूला बन गया अपना एक्स स्क्वायर 1/ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इधर से मिटा रहा हूँ मैं। I इज इक्वल टू पाई अपॉन टू से टू कट जाएगा बी स्क्वायर टू से टू कैंसिल, तो ये हो गया इंटीग्रेशन जीरो टू ए पाई बाई टू 1/ ए अपॉन बी का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी 1/ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स 1/ ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए।
जीरो, एक्स इज इक्व टू जीरो, तो टेन टेन जीरो जीरो ही रहेगी, ये तो जीरो रहेगी। इसमें करेंगे लिमिट चेंज, यहाँ जगह तो कम है, लो तो मैं इसको दोबारा कर देता हूँ। इस पर प्रॉपर्टी नंबर लगा दीजिए सिक्स, प्रॉपर्टी सिक्स सेवन सेवन, आई इज इक्व टू पाई अपॉन टू बी स्क्वायर डॉट ट्वाइस ऑफ जीरो से ए सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए अपॉन बी का होल स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब लगाइए, लेट टेन एक्स इज इक्व टू टी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्व टू डी टी, लिमिट चेंज करिए, वैन एक्स इज इक्व टू जीरो तो टी इज इक्व टू टेन जीरो इक्व टू जीरो, और वैन एक्स इज इक्व टू पाई बाई टू तो टी इज इक्व टू टेन पाई बाई टू टी इज इक्व टू इन्फिनिटी, तो जीरो टू इन्फिनिटी हो गए लिमिट भाई। अभी तो यही रहने दो, अगले में आई इज इक्व टू पाई अपॉन बी स्क्वायर, टू से टू कैंसिल, जीरो से इन्फिनिटी, और ये वन अपॉन ए अपॉन बी का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी, ये हो गया लिमिट चेंज जीरो से इन्फिनिटी, और पाई अपॉन बी स्क्वायर वन अपॉन ए अपॉन बी टेन इनवर्स टी अपॉन ए अपॉन बी एक्स अपॉन ए, लिमिट है जीरो से इन्फिनिटी, पाई अपॉन बी स्क्वायर बी अपॉन ए टेन इनवर्स बी टी अपॉन ए, लिमिट जीरो से इन्फिनिटी। ये बी अपॉन ए को बाहर लेना है, बी अपॉन ए बाहर, तो पाई अपॉन बी स्क्वायर डॉट बी अपॉन ए टेन इनवर्स बी टी अपॉन ए, लिमिट जीरो से इन्फिनिटी, और लिमिट ले लीजिए तो आई इज इक्व टू बी से भी कैंसिल पाई ए बी, बी से भी गया पाई ए बी, अपर लिमिट टेन इनवर्स बी अपॉन ए इन्फिनिटी माइनस टेन इनवर्स, अब जीरो से करें तो जीरो हो जाएगा मल्टीप्लाई इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी है, तो पाई ए बी और टेन इनवर्स इन्फिनिटी माइनस टेन इनवर्स जीरो, तो पाई अपॉन ए बी, इन्फिनिटी की क्या वैल्यू होती है पाई अपॉन टू माइनस जीरो, ये हो गया पाई स्क्वायर अपॉन टू ए बी राइट हैंड साइड, ये था तो कभी भी लिमिट जीरो टू जीरो नहीं हो सकती। मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, इंटीग्रल आई इज इक्व टू जीरो टू पाई डी एक्स अपॉन वन माइनस टू ए कॉस एक्स प्लस ए स्क्वायर, ये कंडीशन है इज ग्रेटर देन वन। देखिए जब भी डिनोमिनेटर में कॉस और साइन हो तो कॉस टू एक्स साइन टू एक्स का फॉर्मूला इन टेन की फॉर्म में, तो यह फॉर्मूला होता है कॉस टू एक्स इज इक्व टू वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, कॉस टू एक्स इन द फॉर्म ऑफ टेन, तो कॉस एक्स को रखेंगे। इंटीग्रल आई इज इक्व टू
जीरो से पाई, वन अपॉन वन माइनस टू ए, वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स वाई टू, एक्स के लिए एक्स वाई टू आएगा, टू एक्स के लिए एक्स, एक्स के लिए एक्स वाई टू, अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स वाई टू प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। एल से वन प्लस टेन स्क्वायर जीरो पाई, वन अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स वाई टू माइनस टू ए इंटू वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स वाई टू प्लस ए स्क्वायर इंटू वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स वाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स वाई टू डी एक्स। रेसिप्रोकल हो जाएगा तो आई इज इक्वल टू जीरो से पाई, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स वाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स वाई टू माइनस टू ए, माइनस माइनस प्लस टू ए टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। दिस इज रिटन एज सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। तो आई इज इक्वल टू जीरो टू पाई सेक स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन योगे सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर और प्लस प्लस ए स्क्वायर, दोनों से टेन स्क्वायर कॉमन आ रहा है, साथ में ये भी है भाई, तीन तीनों में से टेन स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो क्या बचा, टेन स्क्वायर एक्स वाई टू ए स्क्वायर प्लस टू ए प्लस वन, ए स्क्वायर प्लस टू ए प्लस वन, देख लीजिए टेन स्क्वायर कॉमन, टेन स्क्वायर कॉमन, टेन स्क्वायर कॉमन, और यह बचा ए स्क्वायर माइनस टू ए प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए प्लस वन डी एक्स। ये किसका स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आई इज इक्वल टू जीरो टू पाई सेक स्क्वायर एक्स वाई टू अपॉन टेन स्क्वायर एक्स वाई टू ए प्लस वन का स्क्वायर और ए माइनस वन का होल स्क्वायर डी एक्स। ए प्लस वन स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, आई इज इक्वल टू वन अपॉन ए प्लस वन का होल स्क्वायर इज कॉमन जीरो से पाई सेक स्क्वायर एक्स वाई टू अपॉन टेन स्क्वायर एक्स वाई टू प्लस ए माइनस वन का स्क्वायर अपॉन ए प्लस वन का स्क्वायर डी एक्स। लेट दिस इज ए डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स वाई टू, सो लेट टेन एक्स वाई टू इज इक्वल टू टी, टेन का डिफरेंस इज सेक स्क्वायर एक्स वाई टू इंटू एक्स वाई टू, एक्स वाई टू का एक्स वाई टू का डिफरेंशिएशन वन बाई टू इंटू वन बाई टू, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स इज इक्वल टू टू डी टी, सेक स्क्वायर एक्स वाई टू डी एक्स इज इक्वल टू टू डी टी। ये आ गया है टू अपॉन ए प्लस वन का स्क्वायर इंटीग्रेशन वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए माइनस वन अपॉन ए प्लस वन का होल स्क्वायर डी टी, ए माइनस वन का स्क्वायर ए प्लस वन का होल स्क्वायर। लिमिट चेंज करेंगे व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो तो टी इज इक्वल टू टेन जीरो और टेन जीरो इज इक्वल टू जीरो तो लोअर लिमिट जीरो रहेगी, एंड व्हेन एक्स इज इक्वल टू पाई बाई पाई, एक्स इक्वल टू पाई तो टी इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू टेन पाई बाई टू और टेन पाई बाई टू की वैल्यू क्या होती है इन्फिनिटी, तो लिमिट हो गई जीरो टू इन्फिनिटी, लिमिट इज जीरो टू। अब ये फॉर्मूला बन गया तो आई इज इक्वल टू टू अपॉन ए प्लस वन का स्क्वायर और अर्थ डायरेक्टली वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो वन अपॉन ए
माइनस वन अपॉन ए प्लस वन टेन इनवर्स एक्स एंड टी अपॉन ए ए माइनस वन अपॉन ए प्लस वन लिमिट जीरो से इन्फिनिटी टू अपॉन ए प्लस वन का स्क्वायर रेसिप्रोकल होगा ए प्लस वन अपॉन ए माइनस वन बाहर आ गई टेन इनवर्स ए प्लस वन इंटू टी अपॉन ए माइनस वन लिमिट जीरो से इन्फिनिटी ये कैंसिल तो टू अपॉन ए प्लस वन कैंसिल हो गया इंटू ए माइनस वन अपर लिमिट जब भी इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करें तो पूरा इन्फिनिटी हो जाएगा ये टी वाला इन्फिनिटी तो ये टेन इनवर्स इन्फिनिटी और माइनस टेन इनवर्स जीरो तो ये हो गया टू अपॉन ए स्क्वायर माइनस वन पाई बाई टू माइनस जीरो पाई अपॉन ए स्क्वायर माइनस वन चेक करो देख ये आंसर है इसका कल एक मिनट कल अब नेक्स्ट चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन इंटीग्रल का एप्लीकेशन एरिया फाइंड करने के लिए होता है तो कल हम 11th चैप्टर शुरू करेंगे ये आपका 10th चैप्टर कंप्लीट हो गया कहाँ से स्टार्ट किए थे 7th 8th 9th 10th